एक्चुअली हमारे यहाँ तो जैसे हम साइट्स पे जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो कॉमन पीपल जो नॉर्मल हैं लोग उनको आइडिया ही नहीं व्हाट इज़ आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर। वो हमें एज ए इंजीनियर समझ के हमसे बात कर रहे होते हैं और इवन वो हमें इंजीनियर पुकारते भी हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अवेयरनेस फैल रही है आर्किटेक्चर के बारे में और लोगों को पता चल रहा है कि आर्किटेक्चर है क्या। एक्चुअली वो पज़ल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस अभी तक आई नहीं है। लोगों को अपनी ऐसी स्पेसेस जिनमें वो रहते हैं उनके बारे में आइडिया ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि लाइफ पे आर्किटेक्चर का क्या इम्पैक्ट है या आर्किटेक्चर हमारी नीड क्यों है और आर्किटेक्चर कितना ज़रूरी है। लोगों को इस बारे में नहीं पता, लोगों को सिर्फ बहुत कम लिमिटेड नॉलेज इस बारे में। सो आई रियली फाइंड इट वेरी गुड कि अगर लोगों में ये चीज़ ये आ जाता है आइडिया कि व्हाट आर्किटेक्चर इज़, उनको अवेयरनेस होती है, उनके पास नॉलेज आती है कि व्हाट आर्किटेक्चर इज़, व्हाट आर्किटेक्ट कैन डू, व्हाट आर्किटेक्ट कैन डू, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या होगा। तो ये बहुत एक कह सकते हैं एडवांटेज होगा उनकी लाइफ को और पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी सोसाइटी को। जी ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर आर्किटेक्ट के साथ होता है क्योंकि हमारे पास जो अवेयर क्लाइंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे पास दूसरे क्लाइंट्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उनकी बात को उनके हिसाब से समझा जाए और उनकी बात को उनके हिसाब से या उनके लेवल पर जाके उनको समझाई जाए कि उनको समझ आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कभी वो समझ जाते हैं कभी नहीं समझ पाते। तो बेहतर यही मैं यही सजेस्ट करूँगा या मैं कहूँगा कि आर्किटेक्चर की अवेयरनेस के लिए एक तो सोशल मीडिया का जो जिस तरह का एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को बहुत क्लियरली या बहुत जल्दी या बहुत क्विकली लोगों में उनको ये चीज़ ट्रांसलेट करके उनके हिसाब से उनको समझा सके। सबसे पहले तो मेरी एक सजेशन ये है जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं जो अभी स्कूल्स में हैं या जो आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि वो सबसे पहले अपने पर्सनल आर्किटेक्चर को डिस्कवर करें कि उनके अंदर कौन सा एक आर्किटेक्ट या आर्ट है। और एक्चुअली अगर वो उसको डिस्कवर करते हैं तो उनको पता चलेगा कि मेरी राइट प्लेस क्या है या मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ जॉब। मैं अगर जॉब कहूँगा तो ये मेरे प्रोफेशन के साथ जो है ना मैच नहीं करता या मेरे प्रोफेशन के साथ एक ऐसा वर्ड है जो जुड़ता नहीं है। आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट इवन अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, एक ज़रूरत है। और ये एक आर्किटेक्चर का अगर बेसिक मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो वो ये है कि वो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो आपके पास इतना मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोगों की और अपनी लाइफ किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यंग आर्किटेक्ट्स के लिए मेरी यही है कि वो खुद को डिस्कवर करें और वो अपनी अंदर जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस पर वो ज़्यादा वर्क करें। और जॉब्स वगैरह चीज़ें जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपकी खुद मार्केट में या आपकी जो मार्केट है आसपास खुद आपकी डिमांड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए मेरे नज़दीक जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आप ये भी देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के बजाय लोग प्रेफर करते हैं कि हम वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें ये है कि रियल एस्टेट को भी बड़ा एडवांटेज होता है एक तरह से कि वो छोटी सी एक स्पेस में काफ़ी सारा लाइक उनको कंस्ट्रक्शन और मोबिलाइजेशन एवरीथिंग सब एक ही छोटी जगह पर उनकी हो जाती है। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि उन सब चीज़ों को देखते हुए इतना बड़ा सिटी है इसके लिए एक प्रॉपर अर्बन एक कह सकते हैं अर्बन मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए सबसे पहले मेरी नज़र में। दूसरा ये है कि
छोटी स्पेसेस, छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी स्पेसेस, वो यूज़लेस नहीं है। उनको उनको इस तरह मतलब देखना नहीं चाहिए कि वो छोटी है या बड़ी है, आपको स्पेसेस को उसके हिसाब से देखना चाहिए कि वो खुद नेचर में क्या है, उनका अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं मेरे नज़दीक आर्किटेक्चर का जो एक्सपीरियंस है, जो एक ह्यूमन लाइफ में इम्पेक्ट रखता है, और जो एक फंक्शनैलिटी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएं, या आप मिक्स यूज़ डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा, मिक्स यूज़ डेवलपमेंट का एक इंट्रो है, ये है कि बंदा जहाँ रहता है वहीं करीब वो उसकी जॉब भी वहीं पे करीब होती है, और वो वहीं रहता है, वहीं अपनी जो जॉब होती है वह करता है। तो उससे एडवांटेज ये होता है, डिफरेंट सस्टेनेबल अप्रोचेज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके हम अपनी जो कराची या डिफरेंट जो पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ हैं उनमें हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं लिविंग स्टाइल को, रहने के तरीके को, लोगों के एक्सपीरियंस को, और चीज़ों को डिफरेंट जो हम देख रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे पास इसका बड़ा अच्छा आंसर है। वो अब देखें, ये दिस इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन जो आपने किया है, बड़ा एक एक्सटेंसिव इसका आंसर हो सकता है। देखिए, हम मैंने जैसा आपको कहा कि हम स्पेस को एज अ किसी भी स्पेस को हम देखते हैं, हम उसको विजुअली देख रहे होते हैं कि वो विजुअली कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके उस स्पेस आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, वो बड़ा डिपेंडेंट होता है। जहाँ तक मुग़ल आर्किटेक्चर की बात है, जितनी भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो वर्नैकुलर है, वो सारी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं हर जगह पे जहाँ उनकी ज़रूरत हो, जहाँ उनकी ज़रूरत हो। अच्छा, आर्किटेक्चर स्टाइल या आर्किटेक्चर या इंसान अपनी ड्वेलिंग उस हिसाब से सेट करता है जिस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट होता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़ी विंडोज़ और ओपनेबल विंडोज़ और विंडी मोस्ट विंडी विंडोज़ जो है ना आप किसी कोल्ड एरिया में दे दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो कॉन्टेक्स्ट बताता है आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होना चाहिए, और जितनी भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स पास्ट में बनी हैं, मुझे ये लगता है कि वो एक्सपीरियंस और ज़रूरत के तहत, और जो जिस चीज़ ने बड़ा समझे फंक्शनली जिसका एडवांटेज रहा है, उस वजह से ये डिज़ाइंस ये चीज़ें हुई हैं। और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो पास्ट में चीज़ें बनी हैं वो बिना किसी लॉजिक के या बिना वजह के नहीं बनी, उनके पीछे कोई लॉजिक होगा, और वो बड़ा फंक्शनल लॉजिक होगा अगर आप उसको स्टडी करें डीप जाके। तो मेरे नज़र में ये सब चीज़ें सर्वाइव कर सकती हैं कि अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट उनको उनको उन क्वालिटीज़ को या उन स्पेसेस को लेके वो ट्रांसफ़र करे किसी वर्टिकल एक्सपेंशन की स्पेस में, किसी अपार्टमेंट स्पेस में, या किसी बंगलो में, या किसी अंडरग्राउंड बंकर में, कोई भी स्पेस हो, उसको मैंने जैसा कहा कि आर्किटेक्चर स्टाइल का वो मोहताज नहीं होता, वो ज़रूरत बताती है कि उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या हो। आई रियली लाइक दिस इनिशिएटिव। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पब्लिक तक जाएगी ये बात, जो कि हम जिस चीज़ में हम लैक करते हैं फ्रॉम बहुत सारे सालों से। मुझे लगता है कि अब ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक्चुअली आर्किटेक्ट्स जो कि कंस्ट्रक्शन या क्राफ्टमैन्स हैं, जैसे जो कि जो आयरन का काम करते हैं, जो कि छोटे मोटे क्राफ्टमैन्स हैं जो कि लकड़ी का काम करते हैं, या ऐसे लोग जिनको आर्किटेक्चर की अवेयरनेस नहीं है, उन तक हमारे आइडियाज़ और हमारे प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस और उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा, और प्लस लोगों को पता चलेगा कि व्हाट आर्किटेक्चर का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑन ह्यूमन लाइफ एक्चुअली, एंड ऑन और जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस से, उनके लिए बड़ा एडवांटेज होगा। सो आई फाइंड इट वेरी रियली अ वेरी 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 गुड इनिशिएटिव।